हे गाइस, गुड इवनिंग। तो कैसे आप लोग, आई होप अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग वंस मोर। तो गाइस, ये देख लीजिए हमारे हाथ में एक चूजा, एक नहीं दो है, एक्चुअली तीन था, और गाइस एक मर गया। तो गाइस ये है हमारे छत पे बनाया था इसका घोंसला, लेकिन क्या हुआ कि वहाँ पे घोंसला अच्छे से नहीं बनी थी, जिसके कारण वो छत से नीचे गिरा और तीन गिरा था, जिसमें कि एक मर गया और ये दो बचा हुआ है। तो गाइस अभी सबसे पहले इनका मतलब घोंसला को सही करते हैं, मतलब खुद से आर्टिफिशियल घोंसला बनाते हैं, फिर उनको उसमें रखते हैं। तो गाइस ये है तीसरा स्पैरो का बच्चा, जिसका बॉडी के ऊपर में यानी कि पीठ पे चोट लग गया काफ़ी ज़्यादा, जिसके कारण इसका डेथ हो गया। तो गाइस काफ़ी ज़्यादा अफसोस का बात है। और ये भी दो जिंदा है, इसको बनाते हैं एक आर्टिफिशियल घोंसला जिसको रखते हैं। तो गाइस ये बन चुका है हम लोग का आर्टिफिशियल घोंसला, इसमें ये सेफ रहेगा। ओ भाई साहब, अच्छे से अच्छे से। तो गाइज आप लोग का भी अगर मकान में या फिर आप लोग घरों में अगर चिड़िया घोंसला बनाती है, तो गाइज उन्हें भगाइए मत, एटलीस्ट उनका सेवा कीजिए और उनके आसपास दाना छिड़क दीजिए ताकि वो अपना खा सकें, और पानी रख दीजिए। अभी गर्मी का टाइम है तो अपने अपने छतों पे पानी रखिए, ताकि चिड़िया सब जो भी प्यासा हो तो वो आपके छत पे आकर वो पानी पी सके। फाइनली गाइस इसका घोंसला बन चुका है, और इसको जहाँ पे इसका लोकेशन था यहाँ पे ही इसको सेव कर दिए, और गाइस अच्छे से अटैच कर दिया ताकि गिरे ना, और अभी काफ़ी ज़्यादा सेफ है। तो गाइस अभी चिड़िया वहाँ पे है, देखी नहीं है, आ रही है, वेट करते हैं उसका, फिलहाल देखते हैं कि वो वहाँ सेलेक्ट करती कि नहीं मेरा घोंसला को। तो गाइस इस ब्लॉग में इवेंट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, आज लिखना है। जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।